Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification on your phone. अभी हमारी मीटिंग चुनाव आयोग से हुई है और हमने उनको उदाहरण सहित बताया है, प्रमाण दिया है कि किस प्रकार से जो वोटर लिस्ट है पहली जनवरी 2018 को कितनी बोगस, कितनी गलत और मैं सीधा आरोप लगाता हूँ कितनी फ्रॉडुलेंट बनाई गई है। ये शक हमें क्यूलारिस और मुंगाली के उपचुनाव में हुआ था, जिसका अभी जिक्र किया जाएगा। उसके बाद जो हमारा काम नहीं है, ये चुनाव आयोग का काम है, उनका दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है कि जो इलेक्टोरल लिस्ट वो करें, इलेक्टोरल रोल्स वो प्रकाशित करें, वो सही होए। सही में अगर दो चार पांच गलतियां होएं, पर ऐसी गलतियां ना होएं जहां लगभग 60 लाख फर्जी वोटर्स की सूची हो। हमने इस पर जांच करवाई, हमने लगभग 100 कॉन्स्टिट्यूंसीज में इस पर छानबीन कराई और इसकी डिटेल्स में जिक्र अभी सिंधिया जी आपको बताएंगे। पर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मध्य प्रदेश की आबादी 40% जो बढ़ी है, 24% बढ़ी है और जो मतदाता हैं वो 40% बढ़े हैं। आबादी बढ़ी 24%, ये भी एक विश्व का रिकॉर्ड होगा मेरे ख्याल में कि इस सीमा समय में 24% आबादी बढ़ गई और 40% मतदाता बढ़ गए। अभी आपको प्रेजेंटेशन में हम दिखाएंगे कि एक फ़ोटो के साथ, नंबर के साथ, नाम के साथ, पिता के नाम, कितने सारे ऐसे बोगस वोटर्स हैं। ये कोई गलती नहीं हो सकती, ये तो जानबूझकर ये फर्जी लिस्ट बनाई गई है। और अगर जो हमने एस्टिमेट लगाया है 60 लाख होकर वोटर हैं, इसमें वो नहीं है जिनका नाम जुड़ा ही नहीं है या जिनका नाम कट गया है। ये तो हमने जो करी है कि जो डुप्लीकेट हैं, ट्रिप्लीकेट हैं, जो 5 दफ़े जिनका नाम आया है उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में या बाजू की कॉन्स्टिट्यूंसी में, ऐसे भी हैं जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, उनका उत्तर प्रदेश में भी नाम है और यहाँ भी नाम है। और ये जो रिटर्निंग ऑफिसर ने सूची प्रकाशित करी है पहली जनवरी 2018 को, हमने ये मांग करी है कि उन पर कार्रवाई करी जाए, कड़ी कार्रवाई करी जाए और उनको भविष्य में इलेक्शन ड्यूटी से बाहर रखा जाए, क्योंकि ये गलती नहीं हो सकती, ये तो जानबूझकर ये किया गया है। तो ये हमने मांगे रखी हैं कि ये फौरन इसकी सूची को करेक्ट किया जाए, इस सूची को सही बनाया जाए, फौरन कार्रवाई करी जाए और जो दूसरी लिस्ट प्रकाशित हुए उसके साथ जो अधिकारी प्रकाशित करता है रिटर्निंग ऑफिसर, वो एक एफिडेविट दे कि ये सही सूची है, कि हमारे प्रजातंत्र की बुनियाद तो एक सही इलेक्टोरल लिस्ट से है, मतदाताओं सूची से है। अगर मतदाता सूची ही गलत बनी हुए, फर्जी बनी हुए, तो ये प्रजातंत्र की शुरुआत से ही बड़ी गलत बात है। मैं सिंधिया जी को कहूँगा कि आपको डिटेल्स में बताएं कि किस प्रकार से है और तब हमारा प्रेजेंटेशन होगा कि आप लोग खुद देख लें। ये हमने प्रेजेंटेशन चुनाव आयोग को भी दिया है, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आपको थोड़ा कम दिखाएंगे, फ्लेवर देंगे, पर आप उसे देखकर आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार का ये फ्रॉड हुआ है इलेक्टोरल ये मतदाता सूची में। मंगोल
आज जो हम आपके समक्ष आपके संज्ञान में मुद्दा ला रहे हैं, हमने कई बार एक राजनीतिक दल होने के नाते ये बात आपके समक्ष रखी है कि आज भारत के संविधान एवं भारत के प्रजातंत्र को सबसे बड़ा खतरा है। इस विषय के साथ मिले हुए कई मुद्दे पिछले 4 साल में आपके समक्ष हमने रखे हैं और प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ में के रूप में आप सब ने भी उन मुद्दों को उजागर किया है। लेकिन आज जो मुद्दा हम उजागर करने जा रहे हैं, ये प्रजातंत्र के हृदय में छुरी भोंकने का कार्य राजनीतिक दल के द्वारा किया गया है। हमारा सीधा सीधा आरोप है कि जो स्पष्ट पक्ष और प्रमाण और सबूत हम आपके समक्ष रख रहे हैं, ये कोई गलती के आधार पर नहीं, लेकिन ये वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार की नीति, सोच, विचारधारा और उनके मोटिव के आधार पर ये पूरी एक्सरसाइज की गई है। इसका पहला पुख्ता सबूत कोलारस और मुंगावली के उपचुनाव में हमने चुनाव आयोग के समक्ष रखा था, जहां बड़े पैमाने पर फर्जी मतदाता हमने पाए गए थे। आज जो हम प्रमाण आपके समक्ष रखने जा रहे हैं, जिसका संदर्भ कमलनाथ जी ने दिया है, ये आश्चर्यजनक है। कई मतदाताओं के नाम उसी पोलिंग बूथ पर, वही नाम, वही पिता का नाम, वही एड्रेस और वही चित्र, मल्टीपल उसी पोलिंग बूथ पर, ये पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी, उसी मतदाता का नाम, पिता का नाम, पता, चित्र, मल्टीपल पोलिंग बूथ्स पे, ये दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी, आपका नाम इस विधानसभा के 15 नंबर के पोलिंग बूथ पर और पास वाले विधानसभा के 28 नंबर के पोलिंग बूथ पर भी आपका ही नाम, आपका ही चित्र। दो तरीके के प्रमाण हमने पाए हैं। पहला प्रमाण, जो एक ही विधानसभा में डुप्लीकेट वोटर्स के हैं, हमने 101 विधानसभाओं की समीक्षा की है, जहां करीब करीब 24,65,000 ऐसे फर्जी मतदाता हमने पाए। दूसरा कैटेगरी, जहां 2 विधानसभाओं में वही नाम हमने पाए हैं, वही चित्र हमने पाए हैं, उस कैटेगरी में 91 विधानसभाओं की समीक्षा हमने की है, जहां 27,00,000 फर्जी मतदाता हमने पाए हैं। अगर आप इन दोनों को जोड़ दो तो करीब करीब 55,00,000 फर्जी मतदाताओं की सूची हमने भाजपा के द्वारा किए गए इस मतदाता सूची में हमने पाई है। इसका मतलब कि करीब करीब 27,00,000, उसका 50% फर्जी मतदाता है। ये केवल मध्य प्रदेश के 40% विधानसभाओं की सूची है। इसको अगर आप आगे ले जाओगे 100% पर, मतलब कि करीब करीब 60,00,000 फर्जी मतदाता आज के मध्य प्रदेश के मतदाता सूची में उपयुक्त रूप से उसमें शामिल हैं। टोटल हमारे मतदाता मध्य प्रदेश में 5 करोड़ हैं, मतलब 12% फर्जी मतदाता हैं वर्तमान के लिस्ट में। और अगर हम पिछले चुनाव को देखें, जो अंतर था भाजपा और कांग्रेस में 9% मतदाताओं का, वो केवल 35,00,000 बनता है, और ये फिगर अपने आप में 60,00,000 बनता है। तो अब आप ही सोचिए और समझिए कि किस तरीके से और किस रणनीति के आधार पर भाजपा इस देश में चुनाव जीतने की कोशिश करती है। हमने 5 मांग चुनाव आयोग के सामने रखे हैं, बड़े स्पष्ट मांग। पहली मांग कि जो वोटर लिस्ट आप डिक्लेयर करने वाले हो, मतदाता सूची आप सुनिश्चित करने वाले हो, उसको इस प्रमाण के आधार पर दोबारा चेकिंग करने के बाद कृपा करके कीजिएगा। 31 जुलाई का डेट उन्होंने दिया है, 20 जून का डेट है, हमने कहा है कि उसे आगे बढ़ाया जाए और पूरी तरह से इसकी चेकिंग हो, नंबर एक।
नंबर दो, हर रिटर्निंग ऑफिसर से सर्टिफिकेट मांगा जाए कि जो मैंने किया है वो निष्पक्ष तरीके से किया है और सही किया है। वो सर्टिफिकेट हर रिटर्निंग ऑफिसर से मांगा जाना चाहिए जो चुनाव आयोग के अधिनियम और नियम के तहत है। तीसरी मांग कि जिन लोगों ने वर्तमान की सूची में, पहली जनवरी 2018 की सूची में ये बोगस वोटर्स की तहकीकात न की हो और उनको इंक्लूड किया हो, उनको सेक्शन 32 के अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। चौथी मांग कि जो 2018 के 31 जुलाई में सूची निकलेगी उसके बाद अगर कोई बोगस वोटर पाया गया तो उन ऑफिसर के विरुद्ध भी सेक्शन 32 के अधिनियम के तहत कार्रवाई उनके विरुद्ध होनी चाहिए। और आखिरी मांग कि जिन अफसरों को पाया गया कि उनकी उन्होंने गड़बड़ी की है उनको 6 या 10 साल तक किसी भी चुनाव प्रक्रिया से निलंबित किया जाए। जैसे वर्तमान में उन्होंने हमें बताया कि महाराष्ट्र के पालघर लोकसभा के चुनाव में उन्होंने आदेश दे दिए हैं कि उस अफसर को अगले 6 साल तक किसी भी चुनाव की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। ये हमारी बड़ी स्पष्ट और सीधी सीधी मांग है। आज प्रजातंत्र खतरे में है, बॉर्डर एरिया में भी। कमलनाथ जी ने उत्तर प्रदेश का उल्लेख किया, छत्तीसगढ़ का बॉर्डर हमारे साथ लगता है, गुजरात का बॉर्डर हमारे साथ लगता है, राजस्थान का बॉर्डर हमारे साथ लगता है। इन सभी सीमावर्ती राज्यों की वोटर लिस्ट के साथ भी कंपैरिजन होना चाहिए क्योंकि वहाँ भी हमारी आशंका है कि वहाँ भी डबलिंग हो चुकी है। तो हमारी मांग है कि अगर प्रजातंत्र को हमें बचाना है तो इस सूची और इस कार्यक्रम को तहकीकात के आधार पर होनी चाहिए ताकि मध्य प्रदेश और बाकी राज्यों में भी प्रजातंत्र बच पाए। और इसमें भाजपा ने कोई कंप्लेंट नहीं करी, कंप्लेंट हम कर रहे हैं क्योंकि उनको तो परेशानी नहीं है इसे, उन्होंने तो करवाया है। नहीं तो हर राजनीतिक दल को कंप्लेंट करनी चाहिए, कोई आरोप लगाना चाहिए कि ये गलत है, ये मतदाता सूची गलत है। भाजपा ने अभी तक अपना मुंह इस पर नहीं खोला है क्योंकि उन्होंने ही इसे करवाया है, ये हमारा स्पष्ट आरोप है। अब हम आपको प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, डुप्लीकेट एक। अब आपने एक क्षेत्र लिया है, जोर से बूथ नंबर, ठीक है ठीक है, चलो पर कृष्णपाल के नाम से हैं। दूसरा केस है वीर सिंह ठाकुर, ये बूथ नंबर 84 पर वीर सिंह ठाकुर के नाम से हैं। बूथ नंबर 84 पर अगेन मलखान सिंह के नाम से हैं और बूथ नंबर 84 पर अगेन वीरू ठाकुर के नाम से हैं। दूसरा केस फिर इसी असेंबली में देखिए, राजकुमार के नाम से बूथ नंबर 215 में है, श्रीनिवासन के नाम पर बूथ नंबर 216 में है, मोहिनी अहिरवार के नाम से बूथ नंबर 30 में है, विभा माथुर के नाम पर बूथ नंबर अगेन 30 में है, फिर बूथ नंबर 3 में खुशबू पाटकर के नाम से है, बूथ नंबर 3 में मनोज पाटकर के नाम से है। ये एक असेंबली नरेला विधानसभा जो भोपाल की है उसका केस है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बैतूल असेंबली में बूथ नंबर 10 पर लता के नाम से है और बूथ नंबर 10 पर उर्मिला के नाम से ये मतदाता अंकित है, बूथ नंबर 11 पर सुनील के नाम से, बूथ नंबर 11 पर अगेन यही मतदाता सेम पिक के साथ मोहन के नाम से अंकित है, फिर बूथ नंबर 6 पर आप देखेंगे ये रामसू जो मतदाता है ये रामसू के नाम से है बूथ नंबर 6 पर और यही बूथ नंबर 6 पर बक्कू के नाम से है और इनके फादर्स का नेम सेम है, पिक सेम है और नाम चेंज कर दिए गए हैं और बूथ नंबर सेम है। इसके अलावा भोजपुर विधानसभा में और भी रोचक प्रकरण है, भोजपुर में आप देखेंगे ये 24 नंबर बूथ पर जो संतोष विश्वकर्मा है ये अगेन बूथ नंबर 24 पे संतोष कुमार के नाम से है, राहुल लोवंशी जो है बूथ नंबर 6 पर सेम नेम से है
फादर का नेम भी सेम है, एज भी सेम है और बूथ नंबर भी सेम है और मतदाता की फ़ोटो भी सेम लगी हुई है। इसी भोजपुर में ये जो एक फ़ोटो है, इस फ़ोटो का इस्तेमाल 26 मतदाताओं की एंट्री के रूप में किया गया है। आप देखिए कि एक जगह इनको सुरेश, दूसरी जगह पार्वती बाई, रजनी बाई, सीता बाई, ये बूथ नंबर 199 भोजपुर असेंबली, भोजपुर असेंबली में परवीला बाई के नाम पर, फिर फौजिया खान के नाम पर, सावरा बी के नाम पर, ऐसे ये पूरे भोजपुर में 26 जगह इस एक पिक के साथ इस मतदाता का नाम अलग अलग नाम से अंकित किया गया है। उदयपुरा विधानसभा के अंदर तेजराम के नाम से हैं, वही हरिचरण के नाम से, भगवत के नाम से हैं, वही गोविंद सिंह ठाकुर के नाम से। तो अलग अलग विधानसभा असेंबलीज के अंदर ये मतदाता अंकित हैं। ये हुजूर टू भोपाल, ये जो अभी जिक्र किया कि इंटर असेंबलीज में भी ये मतदाता हैं, ये देखिए कि राजेश के नाम, राजेश हीरालाल के नाम से भोपाल मध्य में है और हुजूर विधानसभा में अगेन राजेश हीरालाल के नाम से ये मतदाता भोपाल हुजूर विधानसभा में 122 नंबर पर है। ये भोपाल राजधानी की असेंबलीज हैं, जो एडजॉइनिंग असेंबलीज हैं उसमें ये मतदाता अलग अलग, ये महू और इंदौर, महू के 139 नंबर बूथ पर मनोज रामचरण और इंदौर 5 के बूथ नंबर 49 पर अगेन ये मनोज रामचरण के नाम से मतदाता अंकित है। इस तरह से ये अलग अलग विधानसभाओं में ये पूरा मतदाता अंकित हैं। बासोदा टू बासोदा, राऊ और राऊ के अंदर लगभग 101 विधानसभाओं का ये जो डाटा है वो प्रेजेंट अभी आपके सामने किया है। कोई पुरुष का महिला के नाम के सामने वो भी, हाँ, ये जो केस था आपने देखा होगा भोजपुर का, इसमें एक इस एक महिला को पुरुष के नाम पर भी बताया गया है। ये देखिए अजहर खां के नाम से, ये अशोक कुमार दौलत कुराम के नाम से इस महिला का वोटर आईडी कार्ड बना दिया गया है। खेतराम भज्जूलाल के नाम से भी इस महिला का वोटर आईडी कार्ड बना दिया गया है। महिलाओं के नाम पर भी है और महिला को पुरुष के नाम पर भी वोटर आईडी कार्ड, उसका जेंडर भी पुरुष लिखा हुआ है उसमें। ये तो आपको एक टेस्ट दिया, फ्लेवर दिया है। तो ये तो हमारे पास जैसे बताया गया कितने 101 और 91 की सूची है, जिसमें हमने ये पाया है कि सबको जोड़ के और उसको बाकी वो जहाँ हमने नहीं किया है, ये लगभग 60 लाख बनता है, 12%। इसकी गंभीरता आप खुद समझ सकते हैं, किस प्रकार से इसमें हेरा फेरी करी गई है, किस प्रकार से ये फ्रॉड, कि इनको ये उम्मीद नहीं थी कि हम इसकी चेकिंग भी करेंगे। जब हमने ये टेस्ट चेकिंग करी है, ये सब सामने आई है और चुनाव आयोग के पास आज तो टेक्नोलॉजी है, ये जैसे हमने कराया है वो करा सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। कहीं से भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये तो आज सब फोटो आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, नंबर आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, यही बात हमने उनके सामने रखी है और हमने 101 की सीडी भी दे दी है और 91 के भी दे दिए उन्हें आज। उन्होंने जो चुनाव आयोग ने कहा वो उस पर आवश्यक जांच करेंगे और इस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। अब हम उनको कुछ समय देंगे कि वे, हमने आज केवल इस पर हम सीमित रहे। प्रश्न ये है कि आज हमने खुलासा किया है भाजपा सरकार की जो फ्रॉड लगाने की विचारधारा है, किस तरीके से मतदाता सूची में ये कर रहे हैं। ये उदाहरण आपके लिए केवल मध्य प्रदेश का है, अब आप ही अनुमान लगाएं कि बाकी देश में भी क्या स्थिति होगी। मध्य प्रदेश के पुख्ते सबूत हमने आपके समक्ष रखे हैं प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में, अब बाकी राष्ट्र में क्या हाल होगा आप ही अनुमान लगाएं। ये साफ साबित करता है कि किस प्रकार से प्रशासनिक दुरुपयोग किया जाता है, ये तो एक उदाहरण है।
Well, we have today confined ourselves to Madhya Pradesh, but obviously this is not a matter which is confined to Madhya Pradesh. It will be have to be taken up in all of the states, the whole country, where it is so glaring. उनकी जिनको बोलने लायक कुछ नहीं रहा, जहां हर वर्ग परेशान है. मेरे राजनीतिक जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति नहीं हुई कि हर वर्ग आज सरकार से परेशान है. नहीं, मैं ख़त्म कर लूँ. मैं कह रहा था कि हर वर्ग परेशान है. हमारा किसान ले, भटकता हुआ नौजवान ले, असुरक्षित महिला ले, व्यापारी होए, मजदूर होए, हर वर्ग आज परेशान है. जब इनके पास इसका जवाब नहीं है, जब ये इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, इनके पास दो उपाय हैं. घोषणाएँ और नई घोषणाएँ करें. आज तो जनता घोषणाएँ नहीं सुनना चाहती. आज तो जनता भारतीय जनता पार्टी से हिसाब मांग रही है. पिछले 15 साल का वह मध्य प्रदेश के मतदाताओं को हिसाब दें.